भाभी को देना, भाभी का गिफ्ट ले लिया, आप भी लेके आओ पाकिस्तान से, तो करवाओ हमारा भी, चलो चलो। अरे आप खेलोगे ना, सचिन तो बाइक पे खेल रहा है, वो तो पबजी खेलने में ना डाउनलोड करा के गिफ्ट में देंगे कम से कम। अरे तो भाभी दिलवाएगी सबे, एक एक अपने अपने सबे दिलवाएंगे, सबको एक एक करके बुलाएगी पाकिस्तान से, भाभी लेके आएगी आप लोग। सीमा ये कह रही थी मेरी छोटी बहन भी है, तो ऑफर दे रहा हूँ अपनी बहन को, यही कह रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे जो हमारा होगा उसका अधिकार होगा उसमें, तीन दिन का भाषण। तो ये अभी हम सीमा हैदर के घर के सामने, पाकिस्तान कर रहे हैं लोग, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। आप सब लोग यहाँ, आपकी स्वच्छता बहुत सारी है, तलाक तलाक नहीं देगा, जितनी लड़कियाँ हो वहाँ दुखी वो सब हिंदुस्तान में, यहाँ सारे लड़के अपना लेंगे, बतेरी जमीन बतेरा पैसा बतेरे लड़के, मुंह दिखाई करने आए थे, दिखाई दिखाई करने आए थे, पैसे लाए पैसे देते हो भाई, देखो ये रहा लिफाफा, हम तो गाजियाबाद से चल रहे हैं, लिफाफा मुंह दिखाई करने आए, मिलने जाते मुंह दिखाई के लिए लिफाफा, लिफाफा मुंह दिखाई के लिए लाए ना साथ में, हमारे यहाँ कोई काम फ्री में नहीं होता, मुंह दिखाई होती है स्पेशली, बिना मुंह दिखाई के रसम के हम कुछ नहीं कर पाते, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं सनी ग्रेट। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा, और वही घर सीमा हैदर और सचिन का, जो वही सीमा हैदर जो पाकिस्तानी पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल के बॉर्डर पे आई, और नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई, और इंडिया से सचिन के घर पे आई। अभी मैं एक पीछे जो घर देख रहे हो और जो पब्लिक देख रहे हो वो सीमा हैदर सचिन का वही घर है, और वही पब्लिक सीमा हैदर को देखने के लिए इतनी उत्सुक है, और काफ़ी दूर दूर से हमारे साथ एक अंकल जी, अंकल जी कहाँ से आए आप? सीमा जी से। कहाँ से आए? गाजियाबाद। क्या अच्छा, क्या मिला दर्शन किया आप लोग? देखिए उनको तो अभी जैसा मैं बता दूं, अभी जैसे वो पाकिस्तान से आई है, इसमें प्यार भी कह सकते हैं, एक प्रकार से जासूस भी कह सकते हैं, सम्मान है, सम्मान है, लेकिन एक प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आना, एक वही बॉर्डर है जहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करके आई, इसमें क्या रहा है, कहीं जासूसी वाली मैटर है? तो आपकी क्या राय है? नहीं, अगर गलत है तो फिर नहीं रहेगी, अगर ठीक है तो है। लेकिन एक वही मतलब आज जैसा अभी वो अपनी पति को छोड़ के आई है चार बच्चों के साथ, कल का अगर वही सचिन का प्यार ना मिला तो ये सचिन को भी छोड़ सकती है? छोड़ सकती है नहीं, जैसे उन्होंने पत्नी को, उसके दिल में क्या चल रहा है वो तो वो समझेगी ना, बाकी जिस हिसाब से वो आई है पाकिस्तान से चल के, वो जाकर कह रही है मैं अगर वापस गई तो मुझे मार देगी, ऐसा भी ठीक नहीं है, ये भारत है, तो सबको लेके चल रहे हैं। और मैं और आगे लेके चलता हूँ वहाँ पे, और हमारे ये सब देख सकते हैं, सब लोग सीमा हैदर की ये झलक देखने के लिए काफ़ी उत्सुक है, और ना जाने कितने किलोमीटर कितने दूर से कितने कितने जिले छोड़ के इस जिले में आया और ये सचिन के घर पे आया, और यहाँ पर अभी मैं दिखाने को मिलता था यहाँ पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जो दरवाज़ा है खोला नहीं जा रहा है, हालांकि उनके और बड़े बड़े चैनल ने खोलने का प्रयास किया है लेकिन खुल नहीं रहा है।
यहाँ पे पूछने पे अच्छा भैया जिस बात पे भैया पाकिस्तान से ज्यादा सुखी रहेगी भाई कैच करता है भाई कहाँ से आए कुआ कोई दिक्कत पंजाब क्या पंजाब से देख सकते हैं पंजाब है यहाँ पे सीमा के लिए झलक पाकिस्तानी भौजी झलक देखिए पंजाब यहाँ पे आए ये कैसा पबजी का प्यार है उम्र उसकी जो है कि 22 है उसकी 27 है और उसके बाद फिर ये लोग जो है कि सरहद प्यार क्या 27 और बच्चे प्यार पता नहीं क्या क्या कर देता है पता नहीं चले भाभी को देखने आए थे चले देख पाए कि नहीं कहाँ देखा है लगा हुआ है यहाँ से कितना दूर है 70 किलोमीटर देखिए भाभी 70 किलोमीटर